सच्ची हो जो हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हिमाचल प्रदेश के हित में हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने में जो शक्तियां हमारा समर्थन करेगी उसका हम पुरजोर समर्थन उसका हम करेंगे ताकि हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने में कोई कमी ना रहे। विधानसभा के सभापति ने भी ये कहा है कि जब जब हमने आदरणीय नितिन गडकरी जी से सहयोग मांगा है इन्होंने खुले दिल से हिमाचल प्रदेश का सहयोग किया है और मैं वो व्यक्ति हूँ जो हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हिमाचल प्रदेश के हित में हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने में जो शक्तियां हमारा समर्थन करेगी उसका हम पुरजोर समर्थन उसका हम करेंगे ताकि हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने में कोई कमी ना रहे। हिमाचल प्रदेश को नई विकास के राह पर ले जाना ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है, हमारा दायित्व है और उसी राह पर हम पूरी मजबूती से आगे चलते रहेंगे। तो मैं एक बार फिर से आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी का दिल की गहराइयों से हिमाचल आने के बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आदरणीय मंत्री साहब आपने जब आप हिमाचल उस समय आपदा के समय में आए थे तो आपने वहां पर जो उस इलाके के इमीडिएट रेस्टोरेशन के लिए कुछ बात कही थी उसमें भी थोड़ा सहयोग आने वाले समय में मैं अभी दिल्ली में भी आपसे आके मिला था वहां पर भी आपने उसके लिए अपने डिपार्टमेंट को निर्देश दिए हैं कि करीबन हमारा 150 करोड़ रुपए का एस्टिमेट है जो जिसकी सैंक्शनिंग होनी है। मुझे विश्वास है आप देवभूमि में आए हैं हिमाचल आए हैं और आप उसे भी आज पूरा करेंगे इसका भी हमें पूरा विश्वास है। आप सबका एक बार फिर से मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक नारा मैं दूंगा आप सब ने दोनों हाथ खड़ा करके समर्थन करना है भारत माता की, भारत